इस समय लगभग रात के 12 बज रहे हैं और हमारी जो जम्मू पुलिस है आप देखेंगे पूरी तरह से अलर्ट, 24/7 अपने काम में अलर्ट। और आप देखेंगे इस समय भी एक बड़ा सिक्योरिटी नाका लगाया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई भी वारदात करने में कोई भी ऐसी ताकतें जो देश के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं वो कामयाब ना हो। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट हैं और जो भी आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी घटना या कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी यहाँ पर अंजाम ना दे पाए। आप देखेंगे हमारे जम्मू पुलिस के जवान जिनमें ऑफिसर्स भी हैं इस समय रात के 12 बजे भी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए। इसीलिए मैं हमेशा अपनी न्यूज़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा बात करता हूँ और मैं भी चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में तिरंगा झंडा और साथ में एक बात ज़रूर लिखें, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, सिक्योरिटी फोर्सेज जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, CRPF जिंदाबाद। क्योंकि जहाँ एक तरफ कश्मीर के अंदर आतंकियों के साथ हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के अंदर कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी, किसी तरह की भी कोई आतंकवादी घटना ना हो, इसलिए 24/7 हमारी पुलिस अलर्ट रहती है। हमारे SPOs दिन रात काम कर रहे होते हैं जिनके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे SPOs परमानेंट होने चाहिए। इनमें से कई हमारे SPOs होंगे जो दिन रात काम करते हैं, कई सारे हमारे जवान हैं, कई सारे हमारे ऑफिसर्स हैं जो इस समय अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और आप देखेंगे कोई भी गाड़ी यहाँ से बिना चेकिंग के नहीं जा सकती है और सभी गाड़ियों की पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है और जो भी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं उनसे स्पेशली पूछा जा रहा है। जो खुद चौकी अफसर हैं यहाँ के वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और हर गाड़ी वाले से पूछताछ और उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं। ये हमारी जम्मू पुलिस है और मैं चाहूँगा कि हमारे जम्मू पुलिस के जवानों का आप और हौसला बढ़ाएं जिस तरह से वो दिन रात काम करते हैं। और ये हमारी पुलिस है जो दिन रात इसी तरह से काम करती है, हर चीज़ का ध्यान रखे हुए, किसी तरह की कोई इल्लीगल एक्टिविटी ना हो, कोई आतंकवादी गतिविधि ना हो, किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। हमारे जो खुद ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के और जो इस समय वेयर हाउस चौकी के खुद चौकी ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी टीम के साथ ताकि किसी तरह से कोई भी जो इल्लीगल एक्टिविटी है वो ना हो। खुद SHO गांधीनगर भी यहाँ पर मौजूद हैं, भरत शर्मा जी, उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है क्योंकि हमारी जम्मू पुलिस जो है हमेशा 24/7 अलर्ट रहती है। और आप ये देखेंगे कि इस समय एक बड़ा नाका लगाया हुआ है जो कि तवी ब्रिज के ऊपर है ताकि किसी तरह की कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी या कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो, इसलिए हमारी पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है। क्योंकि रात के समय कई सारे चोर उचक्के, बोवाइन स्मगलर, ये सभी लोग बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर अलर्ट हमारी पुलिस काम कर रही होती है। और आप देखेंगे कि हर चीज़ के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं, एक कड़ी चेकिंग जिसमें हमारे खुद ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद होकर अपनी टीम को पूरा ध्यान देते हुए, जिसमें SHO गांधीनगर, चौकी ऑफिसर, वियर हाउस, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ किसी तरह की इल्लीगल एक्टिविटी ना हो उसमें हर चीज़ का ध्यान रखे रहती है हमारी पुलिस। और मैं इसमें DG साहब को भी कहूँगा कि हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी जवान हैं 24/7 इसी तरह से काम करते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जम्मू पुलिस जिंदाबाद लिखें। हमारे SSP चंदन कोहली जी और उनकी जो पूरी सुपरविज़न में जितनी भी इलाके आते हैं वहाँ पर अलर्टनेस बनी रहे, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे ADGP मुकेश सिंह जी हैं वो भी इस चीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि
चाहे इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी अनहोनी घटना है, वो हमारे शहर में नहीं होनी चाहिए। ड्रग्स के ऊपर पूरी कार्रवाई, बोवाइन स्मगलर्स के ऊपर पूरी कार्रवाई, कोई भी गाड़ी जो है बिना चेकिंग के यहाँ से नहीं जा रही। इस समय 12 बजे के बाद का टाइम है और जहाँ पूरा दिन हमारे पुलिस के जवान 24/7 अलर्ट रहते हैं, वहाँ रात को भी इस समय भी पूरी अपनी अलर्टनेस बताए हुए हैं, क्योंकि अगले महीने जिस तरह से 26 जनवरी रहती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अलर्टनेस हमारी पुलिस की तरफ से हमेशा दिखाई जाती है। और मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पुलिस के इस काम को पूरी तरह से अप्रिशिएट करें, और अगर आपको कहीं पर रोका जाता है चेकिंग के लिए तो पुलिस को कोऑपरेट करें। पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे तो पुलिस आपको यहाँ पर किसी तरह की भी लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं आने देंगी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में आप लोग तिरंगा झंडा और जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद ज़रूर लिखें। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं जेके मीडिया पे लाइव, ये तवी ब्रिज जम्मू से है और इस समय हमारी जम्मू पुलिस 24/7 अलर्ट है। जो किसी तरह की कोई भी आतंकी घटना हो या किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी को यहाँ पर पूरा नहीं होने देंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। आप सभी को राम राम।